नमस्कार। तो आज अपन रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। रिलायंस पावर की बात की जाए तो स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते कि आज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जैसे कि क्वार्टर वन के जो नतीजे यहाँ पे इस साल के क्वार्टर वन के नतीजे सामने आने वाले रिलायंस पावर के लिए। इसके अलावा आप लोग नज़र डालोगे तो स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिले, कल भी गिरावट हो चुकी थी। आज की गिरावट के साथ जो 30 लेवल था, एक सपोर्टिव लेवल था, तो उस लेवल को स्टॉक ब्रेकडाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ आती है तो ये ऑरेंज कलर का लेवल है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है, वो यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो सकता है और इसे उछाल भी देखने को मिल सकता है रिलायंस पावर के लिए। अगर वॉल्यूम देखोगे तो पिछले 2-3 दिनों से वॉल्यूम में भी काफ़ी गिरावट आई है और काफ़ी कम वॉल्यूम्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आप देख सकते कि लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स आए थे उसके ऊपर बात करते, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट आया था वो तकरीबन 59 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर इस क्वार्टर में 59 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट आता है तो ये एस्टिमेट्स बीट करेगा और देख सकते कि एक अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस बनेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वार्टर के नतीजे इम्प्रूव होकर आएंगे तो बढ़िया रैली हो सकती है।